नमस्कार, जय हिंद। 19 जुलाई से होने वाले बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए पूछे गए प्रश्नों पर आधारित टॉप 100 जीके जीएस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को इस क्लास में हम देखने वाले हैं। क्लास में शामिल सभी प्रश्न टीआरई 1, 2, 3 में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित है, जिसका एग्जाम में आने की सबसे अधिक संभावना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अधिनियम के द्वारा दी गई है? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। बताइए कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप के लिए, रक्त परिसंचरण के लिए, डीएनए के लिए और केंद्रक के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि विलियम हार्वे रक्त परिसंचरण की खोज के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कीट नहीं है। आप ऑप्शन देख लीजिए कि कौन सा कीट नहीं है, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच और बिच्छू। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। बिच्छू क्या है, कीट की संज्ञा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, मायोपिया में होता है, मायोपिया में क्या होता है? ऑप्शन निकट की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, दूर की वस्तु नहीं दिखाई पड़ना, लाल रंग की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मायोपिया में दूर की वस्तु क्या होता है, दिखाई नहीं पड़ता है। मायोपिया मीन्स निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है? भारत में किस तरह की लोकतंत्र की व्यवस्था है? प्रत्यक्ष है, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। कैसी है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, वीवीआई प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। बलुई मृदा, रेगुर मृदा, लाल मृदा या पर्वतीय मृदा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, आप आरएसएस का नाम सुने होंगे, आरएसएस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1923 में, 1925 में, 1928 में और 1930 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी। नेक्स्ट, डायनमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, डायनमो से दृष्ट धारा प्राप्त होती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कोरवा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? बताइए कहाँ पाई जाती है कोरवा जनजाति। ऑप्शन देखिए, झारखंड में पाई जाती है या राजस्थान में या पश्चिम बंगाल में या मिजोरम में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कोरवा जनजाति झारखंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जिसके कार्यकाल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चौथी पंचवर्षीय योजना काल में 14 बैंकों का क्या हुआ था, राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने
अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन है पाटलिपुत्र, सारनाथ, वैशाली और राजगिरी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, राजगिरी में। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश राजगिरी में दिया था। अगला प्रश्न है, वित्तीय आपात की व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ के संविधान से लिया गया है? वित्तीय आपात की व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, या जर्मनी के, या अमेरिका के, या रूस के, बताइए कहाँ के लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वित्तीय आपात की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए अमेरिका के, फ्रांस के, आयरलैंड के, या जापान के? क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के? आयरलैंड के। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, है ना, बंग भंग विरोधी आंदोलन का शुरुआत 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन है, या लिनियस है, या थियोफ्रेस्टस है, या हिप्पोक्रेटस है? बताइए कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? लिनियस है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बांग्लादेश से त्रिपुरा की सीमा क्या होती है? मिलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? ट्रिप्सिन है, गैस्ट्रीन है, टाइलिन है, या पेप्सिन है? कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गैस्ट्रीन। कौन सा नहीं है? गैस्ट्रीन। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? अग्नाशय, अमाशय, थायराइड, या यकृत? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन सा है? यकृत। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रक्त की ऑक्सीजन परिवहन क्षमता को क्या करता है? प्रभावित करता है। नेक्स्ट है कि कोशिकीय श्वसन कोशिकाओं के अंदर कितने चक्रों में पूरा होता है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, दो चक्रों में पूरा होता है कोशिकीय श्वसन, ध्यान में रखिएगा। श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? बताइए श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? अपचायक क्रिया है, ऑक्सीकरण क्रिया है, जल अपघटन क्रिया है, या अमीनोकरण क्रिया है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण क्रिया है। श्वसन किस प्रकार का क्रिया है? ऑक्सीकरण क्रिया है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, कूटपाद किस में पाया जाता है? कूटपाद किस में पाया जाता है? पैरामिशियम में, या यूग्लिना में, या अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अमीबा में। किस में पाया जाता है? अमीबा में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? तो कैलोरी में मापा जाता है ना, किस में? कैलोरी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, रूस में हुआ था? कोई एक ऑप्शन आपके मन में सोचना है आपको, है ना। अगर आपको नहीं भी आता है तो एक ऑप्शन को सोचिए, इससे आपकी मानसिक क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, फासीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था? फासीवाद के सबसे बड़ा समर्थक कौन था?
हिटलर था, मुसोलिनी था, विस्टन चर्चिल था या रूसो था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मुसोलिनी। फासीवाद के सबसे बड़ा समर्थक मुसोलिनी था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स किसके कारण होती है? वायरस के कारण, बैक्टीरिया के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या कवक के कारण? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है, यानी ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस नदी का वर्णन किया गया है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सिंधु नदी का। किस नदी का किया गया है? सिंधु नदी का। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बेसबॉल में 9 प्लेयर होता है, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होता है, खो खो में 9 प्लेयर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है ये सभी सुमेलित। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं, वाटर पोलो में 7 प्लेयर होते हैं और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं, तो ये सभी क्या है? सुमेलित हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में खिलाड़ियों को पुरस्कार स्वरूप कितना रुपया दिया जाता है? 7.5 लाख। 7.5 लाख अभी वर्तमान में इंक्रीज हो गया है। करेक्ट डाटा मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? आप सभी को पता होना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध वर्ष 1900 कब हुआ था समाप्त? तो वर्ष 1945 में समाप्त हो गया था। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को नर्मदा की हैंडमेड के रूप में जाना जाता है? हैंडमेड, साबरमती, लूनी, माही, ताप्ती, बताइए आंसर। ताप्ती नदी को, है ना, ताप्ती नदी को नर्मदा के हैंडमेड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। नेक्स्ट, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से? थोड़ा का संबंध किस राज्य से है बताइए? सिक्किम से, आंध्र प्रदेश से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश से, किस राज्य से? ऑप्शन नंबर डी राइट, हिमाचल प्रदेश से। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक लोग जो थे उनका प्रमुख भोजन क्या था, क्योंकि वो काफ़ी पहले के लोग थे, जौ और चावल था या दूध और इसके उत्पाद थे या चावल और दाल थे या सब्जियां था, सब्जियां और फल क्या था बताइए? ऑप्शन नंबर बी राइट माना जाएगा, दूध और उसके उत्पादक, क्योंकि आज के तरह इतने सारी फसलें, इन सारी चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी बहुत कम था और गाय बहुत पहले से पाला जाता है और दूध का सेवन बहुत पहले से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, वर्ण व्यवस्था किस आधार पे था? आजकल जो जाति है तो हम लोग मान चुके हैं कि वो मेरा जाति है, वो उसका जाति है, वो उसका जाति है, जो हमारे पूर्वज से दिया गया है हमें, लेकिन ये आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पे आधारित था? शिक्षा पे था या जन्म पर था या व्यवसाय पर था या प्रतिभा पर था? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आपको बता दें कि व्यवसाय पे आधारित था, है ना, व्यवसाय पे आधारित था। नेक्स्ट, पार्श्वनाथ जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? आपको पता है कि जैन धर्म के कुछ 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो पार्श्वनाथ जो थे वो कैमे तीर्थंकर थे, वो 23वें तीर्थंकर थे। कैमे 23वें, 24वें कौन थे? भगवान महावीर थे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है?
आवृत्ति पे, आयाम पे, तीव्रता पे या वेग पे? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आवृत्ति पे। ध्वनि का तारत्व तो आवृत्ति पे निर्भर करता है। मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है बताइए? मोमबत्ती का पिघलना कौन सा, रासायनिक है या भौतिक है या रासायनिक और भौतिक दोनों है, इनमें से कोई नहीं। मोमबत्ती का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? अगला क्वेश्चन है कि गुणसूत्रों में मुख्य रूप से होते हैं, गुणसूत्रों में मुख्य रूप से क्या होते हैं? डीएनए और लिपिड, आरएनए और अमीनो एसिड, डीएनए और प्रोटीन, आरएनए और शुगर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुणसूत्र में डीएनए और प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, कृषि आयकर। कौन सा साधन है? कृषि आयकर। बाकी आयकर, कार्पोरेट कर, उत्पाद कर, ये सभी केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत है। क्रेटर झील, क्रेटर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में। क्रेटर झील महाराष्ट्र में, कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, सिंध, चंबल और नर्मदा। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। कहाँ पे? चंबल नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना बल्लभाचार्य ने की थी। किसने? पुष्टि मार्ग बल्लभाचार्य, ध्यान में रखिएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, रॉबर्ट ओवेन को। किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को इंग्लैंड में समाजवाद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस, युद्ध और शांति किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की है या लियो टॉल्स्टॉय की है या दोस्तोवस्की की है या एजल्स की है? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, टॉल्स्टॉय की। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किस दिशा का संकेत करता है? धारा का या बल का या चुंबकीय क्षेत्र का, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा आंसर होगा, बी राइट हो जाएगा, बल का। किसका? बल का। नेक्स्ट, डायनमो का सिद्धांत आधारित है, डायनमो का सिद्धांत किस पे आधारित है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर डायनमो का सिद्धांत आधारित है। विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती धारा पर, दृष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पे, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, प्रत्यावर्ती और दृष्ट दोनों धाराओं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है, पराशरण द्वारा, चालनी नलिकाओं द्वारा, विसरण द्वारा या जाइलम वाहिकाओं द्वारा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, विसरण द्वारा। किसके द्वारा? विसरण द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिक किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन का, श्वसन का, पोषण का या परिवहन का? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ब्रिक जो है वो उत्सर्जन का हिस्सा है। तो ये 50 लगभग 50 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट किया, 50 क्वेश्चन का एक और सेट देखेंगे। आप कंटिन्यूस वीडियो में बने रहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बताइए कौन सा होगा आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, बैकाल झील। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया 24वां संविधान संशोधन द्वारा या 25वां, 42वां या 44वां? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे संवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर, रावी नदी पर, चिनाब नदी पर या सिंधु नदी पर? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, अपना महाद्वीप एशिया महाद्वीप। बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट के प्रति वर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई, कितने एक वर्ष के कितने भुगतान करने के लिए सहमत हुई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 26 लाख रुपया। कितना? 26 लाख रुपया। नेक्स्ट, द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द इंडिया स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक बिमल जलान है। कौन है? बिमल जलान। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? बताइए, बीबीए क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 19 अप्रैल 1975 को। कब? 19 अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की है, महानदी की है, कृष्णा की है या ब्रह्मपुत्र की है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र की, ब्रह्मपुत्र नदी की मानस नदी उपनदी है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, है ना। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी थी? ये किस संशोधन में हुआ था भाई? ये हुआ था 61वां संशोधन, संविधान संशोधन 1989 को। कब हुआ था? 1989 में। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है, बताइए कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? फिल्म के लिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, संस्कृत के प्रगति के लिए, खेल के असाधारण के लिए? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। किसे? विज्ञान को। नेक्स्ट है कि गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? चीन में है, पश्चिम बंगाल में है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है या दक्षिण अमेरिका में है? गोबी मरुस्थल चाइना में है। कहाँ पे है? चाइना में। अगला क्वेश्चन है, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? बताइए, लालू लीला पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सुशील मोदी, सुशील कुमार मोदी, जिनकी इसी साल मृत्यु हो गई है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, द्रव्यमान। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु के लिए परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? साइट्रिक अम्ल, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोइट, सोडियम क्लोराइड, बताइए कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सोडियम बेंजोइट। किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? यह कहा था लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो गांधी जी को बंदी बनाया गया था मुंबई में। कहाँ पे बनाया गया था? मुंबई में। नेक्स्ट है, 1932 का पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे घनश्याम दास बिरला। कौन थे? घनश्याम दास बिरला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए? तो इन्होंने ये दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे त्रिपुरा अधिवेशन में। कहाँ पे? त्रिपुरा अधिवेशन।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? कंप्लीट हो गया त्रिपुरा अधिवेशन। पाकिस्तान को के अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना। महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। कहाँ से किया था? सेवाग्राम से, दांडी से, साबरमती से या दांडी से? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, दांडी से किया था। जिया तरंग आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? नागालैंड में, त्रिपुरा में, मणिपुर में, मिजोरम में? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, त्रिपुरा में। कहाँ पे हुआ था? त्रिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी जी कहाँ थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में या बारदोली में? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कहाँ पे थे? बारदोली में थे। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था बिपिन चंद पॉल ने। किसने किया था? बिपिन चंद पॉल, सॉरी सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा आंसर। आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। लॉर्ड मैकाले का संबंध किससे है? तो अंग्रेजी शिक्षा से। किससे है? अंग्रेजी शिक्षा से। किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये किया था सर विलियम जॉन्स ने। किसने किया था? सर विलियम जॉन्स। गदर पत्र प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था उर्दू भाषा में। किस में हुआ था? उर्दू भाषा में। नेक्स्ट, जनजातियों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बाबा ने। किसने किया था? ठक्कर बाबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कौशल किसकी राजधानी थी? तो कौशल राजधानी थी श्रावस्ती की। किसकी राजधानी थी? श्रावस्ती की। कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो वो था अखंडता। कौन सा था? अखंडता। कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र था कोल्हापुर। कौन सा था? कोल्हापुर। किसको विक्रमचंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? किसका उल्लेख कर? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सन्यासी विद्रोह को। किसे? सन्यासी विद्रोह को। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार किया था कार्ल मार्क्स ने। किसने किया था? कार्ल मार्क्स। प्रॉपर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यहाँ पे पॉवर्टी होगा, क्या हो जाएगा? पॉवर्टी, मिस टाइपिंग है। एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, दादा भाई नेहरू जी। कौन है? दादा भाई नेहरू जी। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, असैनिक सेवक। कौन हो जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से असैनिक सेवक। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह प्रतिबंध से, अंतरजाति विवाह प्रतिबंध से, विधवा विवाह प्रतिबंध से, जनजाति विवाह प्रतिबंध से? बताइए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बाल विवाह प्रतिबंध से शारदा एक्ट रिलेटेड है। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में 1893 में भाग लिया था। कब? 1893 में। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन की लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं
भारत में हो कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना चाहता हूँ। किसने कहा था? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। मुगल शासक में तांबे के सिक्के क्या कहलाते थे? मुगल शासन टाइम में तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसे दाम कहा जाता। क्या कहा जाता? दाम। मुगल प्रशासनिक में शब्दावली माल का प्रतिनिधित्व करता था। माल का प्रतिनिधित्व भू राजस्व करता था। किसका? भू राजस्व का। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था बताओ? अकबर, शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी, बख्तियार खिलजी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। शेरशाह सूरी। किसने किया था? शेरशाह सूरी। किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? तो इसने मेवाड़ का उल्लेख किया था। किसका? मेवाड़ का उल्लेख। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं लोगों ने विरोध किया? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके काल में बताइए? देवराय द्वितीय के राज्यकाल में। अब्दुल रजाक किसके कार्यकाल में आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने वहमनियों से गोवा छीना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हरिहर द्वितीय। किसने? हरिहर द्वितीय ने। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम था, तुर्क था, मंगोल था, अरब का था, या तुर्क या अफगान का था? आपको इसका आंसर देना है कि मोहम्मद बिन कासिम कहाँ का था, यानी कौन था? तुर्क का था, मंगोल था, या अरब का था, या तुर्क एवं अफगान का था? कमेंट में आप इसका आंसर ज़रूर भेजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।